एटॉमिक स्ट्रक्चर के हर एक पॉइंट, इसमें सिर्फ वही स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ फॉर्मूलाज और सब कुछ बोले जाएंगे जो आपको याद होने चाहिए। लास्ट के 10 मिनट के अंदर आपको अगर कोई रिवीजन करना पड़े उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताया जा रहा है, और गलती नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ थोड़ा सा इंश्योर करना। और आप लोगों से पूछ लूँगा, मैं तो सुन ही रहा हूँ कि क्या गलत बोला क्या सही बोला। वैसे गलती होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि जहाँ गलती वहाँ पे सजा। लगातार अगर आप मेहनत करोगे ना, आप सभी की बात कर रहा हूँ, ये दो बच्चे हैं, और हर बार आप सभी को और आप सभी को भी उन बच्चों से हमेशा टेस्ट के बाद मिलवाया जाएगा। ये बच्ची बो जिसने अभी बायो के अंदर 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया है, और इधर केमिस्ट्री 180 आउट ऑफ 180। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं हो सकता, और जहां पे कमी रही है वहां पे ये दोनों मेहनत करें। और ऐसा नहीं है, आप सभी भी यहाँ पर, आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, ऑनलाइन में भी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया है, परफेक्ट स्कोर जो है वो किया है। और एक बार अगर आपका परफेक्ट स्कोर आ जाता है ना, तो इन दोनों को भी बोलना चाहूंगा और आप सभी को भी बोलना चाहूंगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना और ज्यादा बढ़ जाती है कि उस चीज को मेंटेन कैसे रखें। समझ में आ गई बात? तो उसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हिंदी मीडियम में भी मैं बात कर रहा था उस बच्चे के, लगातार लास्ट 3-4 टेस्ट के अंदर 355 355 355, और इवन अभी भी कितने हैं, 355 ही हैं। तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और इन दोनों को, ये आप लोगों के साथी ही हैं, इनको कोई अलग से ट्रीट नहीं किया गया है। समझ में आ रही है बात? इनको कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिला है कि अलग से इनको पढ़ाया गया है, फिर अलग से, आप लोगों जो आप पढ़ रहे हैं वही ये पढ़ रहे हैं, बस मेहनत का डिफरेंस है, खुद के एंड पे कितनी मेहनत कर रहे हो उतना ही डिफरेंस आता है बस। ठीक है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर का अपने स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे ई बाय एम का जो रेशियो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.7 × 10^11 कूलम पर केजी। उसके बाद मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10^-31 केजी, एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10^-19 कूलम। देन वी हैव स्टडीड सम रिलेशंस, जैसे 1 J is 10^7 ergs and 1 eV is 1.6 × 10^-19 joules. Then we studied about the electromagnetic wave, that is C = f λ, where C is the speed of the light, f is the frequency, and lambda is the wavelength, and nu bar = 1/λ, where nu bar is wave number and lambda is the wavelength. Then we studied electromagnetic spectrum, which is cosmic rays, gamma rays, x-rays, UV rays, visible spectrum, and then infrared, microwaves and radio waves. As we move from cosmic rays to radio waves, the lambda increases, frequency decreases, and energy of the photon decreases. Then we studied the Planck quantum theory, where E = hc/λ or E = hν for a single quantum, and for a n number of quantums E = nhc/λ or nhν. And when energy of an electron is given in electron volt, then the relation between lambda and E is E = 1 to 4 00 / λ in angstrom, that gives the answer in electron volt. Then electromagnetic spectrum. Then we studied about the Bohr's model of an atomic model. Bohr's atomic model is defined for hydrogen and hydrogen-like species, which contains a single electron. Then Bohr's angular momentum in Bohr's orbit is defined as mvr = nh/2π. Then radius is defined as 0.529 × n² / z in angstrom. Velocity is defined as 2.18 × 10^6 z/n meter per second, and energy is defined as −13.6 × z² / n² in electron volt per atom. Then total energy of an electron is negative of the kinetic energy, and that is ½ of the potential energy. Then the relation between the force and the of an electron and a proton is defined as mv²/r = kZe²/r². Then the Rydberg formula, which is 1/λ = rhz²/(1/N1²-1/N2²), where Rh is the Rydberg's constant, its value is 10^7 meter inverse, or in 1/Rh = 912 angstrom. Then we studied about the hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum is defined for the various orbitals. Energy of the orbital of with n = 1 is −13.6, for n = 2 −3.4, n = 3 −1.54, n = 4 −0.84, and n = 5 −0.54, and n = 6 −0.34 electron volt. And when an electron takes a transition from any of the higher orbital to the first orbit, it's Lyman series, second orbit Balmer series, third orbit
Fasten, fourth bracket, fifth Fund, and sixth Humphrey, where the Lyman series lies in the ultraviolet region and the Balmer series lies in visible region. Rest all lies in the infrared region of the atomic electromagnetic spectrum. Then Heisenberg's uncertainty principle, there is delta x is equal into delta p is equals to h upon 4 pi. H upon 4 pi is nearly equals to 0.52 into 10 raised to the minus 34 in SI unit, and h upon 4 pi me is nearly equals to 0.05 into 10 raised to the power minus 3. Then de Broglie's wavelength is defined as lambda is equals to h upon mv, or lambda is equals to h upon p, or lambda is equals to h upon under root 2 m ke, where ke is the kinetic energy, or lambda is defined as h upon under root 2 m q v naught, where q is the charge of the particle and v naught is the stopping potential. For an electron, it's specifically defined as lambda is equals to 12.24 divided by lambda in angstrom. Lambda is 12.24 divided by under root v naught, where v naught is the stopping potential, and the answer comes out in angstrom. Then photoelectric effect. Photoelectric effect is observed when the frequency of greater than the threshold frequency and the lambda of less than lambda naught is incident on a metal surface, then the electrons are ejected out from the metal surface. For that, the Einstein photoelectric effect equation is applicable, that is kinetic energy is equal to h nu minus phi naught, where h nu is the energy of the photon and phi naught is the work function of the metal, which is the minimum energy required to eject an electron out from the metal surface. And a kinetic energy of the electron ejected out from the metal surface is directly proportional with the frequency of the incident radiation. If we increase the frequency of the incident radiation, the kinetic energy of the electron increases. And if we increase the intensity of the incident radiation, then the number of electrons ejecting out from the metal surface keeps on increasing. And then at last, there is quantum numbers. Quantum numbers can be first one, principal quantum number, which is denoted by N, which defines the shell, that is K, L, M or N, with value 1, 2, 3, 4. And the angular momentum is defined as mvr is equals to nh upon 2 pi. Then second one is azimuthal quantum number, which is denoted by L, which varies from 0 to n minus 1. And azimuthal angular momentum is defined as L, L plus 1 under root h upon 2 pi. And azimuthal quantum number defines the subshell where the value of 0 s spherical. Second, for the second case, value is 1, which is p orbital, which has a dumbbell shape. Second, third orbital, the value is 3, that is for d orbital, and which is double dumbbell shaped. And the fourth is for f orbital, which is 2. Sorry, for the d the value is 2, and for f the value is 3, which is the shape is quite complicated. Then the third type of quantum number is magnetic quantum number, which defines the orientation and which varies from minus L to plus L. Then the fourth quantum number is spin quantum number, which defines the orientation or which defines the spin of the electron, which is plus half or minus half, and the spin angular momentum of an electron is defined as s into s plus 1 under root h upon 2 pi. Then nodes. Nodes are the places in an atom where the probability of finding an electron is 0. The total number of nodes is defined as n minus 1. Angular nodes is defined as L, and radial node is defined as n minus L minus 1. Then rules for a filling of the electronic configuration of an element. The first rule is Hund's rule, which defines that the pairing only takes place if there is a single electron present in each orbital. The second is Pauli's exclusive principle, which states four quantum numbers of an atom cannot be same even if two electrons occupying a same orbital is distinguished by the spin quantum number as plus half and minus half. And the last is Ebbo's principle, which defines that the electrons are filled in the increasing order of n plus l value, and if two orbitals are the same value for n plus l, the one which have a lower value of n has will be filled first. Total number of spectral line is n2 minus n1 in bracket, and then n2 minus n1 minus 1 divided by 2. Most of part define kar diya hai. Ek second. इसके अलावा जो जो चीज़ें नहीं बोली, इधर पता रहे, जो जो चीज़ें नहीं बोली, आपकी एनसीईआरटी के अंदर आपको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. जिस तरीके से आप बोलते हो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई और 4 पाई, जो कॉन्सेप्ट पहले आता है वो 2 पाई, जो कॉन्सेप्ट बाद में आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल 4 पाई. जो स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है उसके लिए सबसे पहला पॉइंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है वो चार्ज के क्वांटाइजेशन को बताता है. बहुत से एक्सपेरिमेंट के अंदर अपने एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन पढ़ते हैं, बट चार्ज का क्वांटाइजेशन किसके थ्रू पढ़ते हैं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. सेकंड पॉइंट, आइसोबार, आइसोटोनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर, आइसोडाइफर्स, ये सारे आइसोटॉप्स, ये सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए. जनरल नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो डाउट जितना डिफाइन किया उतना बेस्ट है, बट जो पॉइंट्स रहते हैं और जो सिंपल हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ.
थर्ड पॉइंट जो अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक कॉन्सेप्ट आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, जिसमें टेम्परेचर अपने इंक्रीज करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी एक लेवल तक, आफ्टर दैट क्या होगा, फिर अगर आप उसके अंदर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, जिसमें आप रेड से मतलब स्टार्टिंग में आयरन को फिर डल रेड, डार्क रेड, ऑरेंज, येलो और फिर ब्लू पे लेकर के जाते हो, वो जनरल पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं। उसके अलावा जो भी पूरा एक्सप्लेनेशन था वो बेस्ट था। सबसे लास्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एक्सचेंज एनर्जी का और सिमेट्री का, एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री, जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर अगर सेम स्पिन वाले अगर फिल किए हुए हैं तो उनको अगर आपस में आप ट्रांजिशन उनका करवाते हो तो एनर्जी लूज होती है, उससे क्या होता है, उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आप सबको सेम स्पिन के अंदर अगर रखोगे तो ज्यादा बेटर है, इनकम्पेटिबली आप उनका ट्रांजिशन करवा सकते हो। अगर कोई भी एक पेयरिंग होगी तो ट्रांजिशन का जो पॉइंट है, वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, स्टेबिलिटी तो आएगी पर उतना नहीं आ पाएगी जिसमें जब तक सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले नहीं हो। तो ये जनरल पॉइंट्स है रिगार्डिंग टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से अगर आप अच्छे से प्रोसीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे बताएं आप, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आप लोगों से अच्छे से सुनूंगा क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। अब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी इस तरीके से सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। अगर आपने ढंग से देखा हो पूरे जो भी रिवाइज करवाया उसके अंदर 2 से 3 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा जिस बच्चे ने बोले और आपने प्रिडिक्ट किए या नहीं किया, आई डोंट नो, बट मैं बता रहा हूँ, सुने। जो वैल्यूज बोली थी उन वैल्यूज के अंदर कुछ वैल्यूज पहले से ही सॉर्टेड करके रखी हुई हैं। भाई अपने को पता है H इनटू में C क्या आता है वैल्यू, समझ में आ रही है बात? अगर आपको पता है जो कुछ वैल्यूज है वो पहले से ही सॉर्ट आउट कर करके रखी हुई है, अपने H अपॉन में 4π, आपने अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के अंदर इसने जब बोला, अगर आपने ढंग से सुना हो तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हो उस समय जब उनकी कैलकुलेशन करने बैठते हो तो टाइम ज्यादा लगता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आपने अच्छी खासी की है तो इन छोटे छोटे फ्रैक्शन जो फिक्स हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, उनको अगर आप सॉर्ट आउट कर करके फिक्स वैल्यूज निकाल लें और अगर याद रख पाएं तो बेटर है, अगर भूल जाएं तो आपके पास में बेसिक्स आपके पास हैं, समझ में आ रही है बात? तो दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये पूरा समझ में आ गया होगा कैसे प्रोसीड करना है। इसी तरीके से हर एक चैप्टर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नेक्स्ट सॉलिड स्टेट के लिए तैयार है, ठीक है। और आप भी जो स्टूडेंट इस तरीके से प्रोसीड करना चाहता है बताएं मुझे, मैं सुनूंगा पहले आप लोगों से, उसके बाद अपने प्रोसीड करें, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फिडेंस जो आप में चाहिए मुझे, बस कॉन्फिडेंस आ गया है ना, उसके बाद सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर यहीं खत्म नहीं होता है, ध्यान रख लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ बट एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अभी जो नेक्स्ट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए कि ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा जब मैंने लिखा है तो उस पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, समझ में आ रही बात? अगर मैंने लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी लिखा है या एच अपॉन में एम बी लिखा है, एच अपॉन में रूट 2ME लिखा है, समझ में आ रही है बात? या फिर 12.24 डिवाइडेड बाय रूट बी अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उनका यूज कहाँ कहाँ है। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आपके दिमाग में चलने चाहिए, जैसे फॉर्मूला चेंज हो रहा है वैसे वैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आपके दिमाग में चलने चाहिए, उससे चीजें जो है आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। क्लियर प्री क्लास? आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।